नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। शिक्षा को बनाया जा रहा है बिकसा है, बच्चों की शिक्षा से निजी स्कूल संचालक का जो है खिलवाड़। अभिभावकों से स्कूल प्रबंधन ने दो टुक कहा, बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है तो लिख दो माफीनामा। ये पूरा मामला श्री स्वामी रमानंद विद्या संकुल रामतेरी तपोवन स्कूल जापला का है। शिक्षा को बिकसा बनाकर प्राइवेट स्कूल संचालक बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा ही एक मामला मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचा, जहां स्कूल संचालकों की मनमानी सामने आई। जन सुनवाई की शिकायत को लेकर बच्चों के अभिभावकों ने बताया कि श्री स्वामी रमानंद विद्या संकुल रामतेरी तपोवन स्कूल जापला में बच्चों की जिससे बच्चों की पढ़ाई करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। बच्चों ने अपने अभिभावकों को इस बात से अवगत कराया। इसके बाद अभिभावकों ने 20 सितंबर 2022 स्कूल प्रबंधन को आवेदन देकर पूरी समस्या से अवगत कराया। कॉपियाँ दे रखी है, पहली कॉपी में से 10 पेज भरे हैं, छह कॉपियाँ कम भरा है साल में। नहीं, मेरा याद में रहो सर, मैं बता रहा हूँ, आप तो नहीं बोलेंगे, किसने बोलेंगे? हम ही से बोलेंगे। जुलाई में क्या कितने दिन था आपने? आप बोलो ना, इसको पहले बोलो ना। आवेदन को पढ़कर स्कूल संचालक भर गए और माफीनामा लिख देने की बात कही। इतना ही नहीं, स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को स्कूल से निकालने की धमकी भी दे डाली। इसके साथ ही 2 अक्टूबर तक स्कूल में माफीनामा पूरी करने की बात भी कही और कहा कि इसका जवाब नहीं दिया जाएगा तो इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। माफीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया तो उन्होंने उनके दोनों बच्चों को सुने बिना सूचना के आना बंद कर दिया, साथ ही रोक भी लगा दी। इसके मनमाने रवैये को देखकर बच्चों के अभिभावक मंगलवार को जनसभा में पहुंचे, यहां उन्होंने पूरा मामला बताया। तो डीओ साहब ने आपका आवेदन देखा? जी, डीओ साहब ने हमारा आवेदन देखा, उन्होंने अपना एक आदेश लिखा है इसमें स्कूल के लिए। उन्होंने कहा कि आप स्कूल में जाके बताएं तो और इंटरव्यू लेते हैं तो फिर मैं स्कूल जाता हूँ। ये की शिकायत प्रॉपर्टी एक्टिविटी नहीं कराई जाती, जैसा कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लास, थर्ड क्लास जो 2 हफ्ते में लगने चाहिए वो नहीं लग रही। वहीं गणित और अंग्रेजी के छात्रों को तरीके से पढ़ाई नहीं कराई जा रही जाती, इससे बच्चे कमजोर हो रहे हैं। स्कूल में यूकेजी क्लास एवं एलकेजी क्लास दोनों कंबाइन लगा रहे हैं, जिसके कारण क्लास में पढ़ाने वाली टीचर है ही नहीं। स्कूल में ट्रांसपोर्ट चार्ज पूरे महीने का लिया जा रहा है, जबकि कुछ अवकाश भी होते हैं। सीबीएसई पैटर्न के आधार पर टीचर नियुक्त होना चाहिए, लेकिन स्थानीय टीचर से ही पूरा कार्य करवाया जा रहा है। न सिर्फ बच्चों के और अंग्रेजी बच्चों की छुट्टी 12 बजे होती है तो दोपहर 2 बजे तक उनको क्यों स्कूल में रखा जाता है? एक बड़ा सवाल, स्कूल प्रबंधन की कमी के कारण बच्चे छात्र छात्राओं को उचित शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा, इसे पालकों में रोज देखा जा रहा है। मामले में इस बात से साफ होता है कि सारी खामियां स्कूल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि शिक्षा विभाग अपनी मॉनिटरिंग नहीं कर रहा निजी स्कूल पर। इसी कारण निजी स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं और अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की बनती है, शिक्षा विभाग को जिम्मेदार अपर इसी तरह अधिकांश मामले में अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। ट्रस्ट स्कूल के नाम जो है बीनागंज का, एक शिकायत आई है जिसमें कंबाइन करके क्लास को चलाया जा रहा है और अभी अभिभावकों को परेशान किया जा रहा है और बच्चों को क्लास से निकाल दिया है। प्राइवेट स्कूल रामतेरी वालों से हमारी संचालक से बात हुई है, उनको हमें निर्देश दिए हैं कि जो नियम उसके अनुसार क्लासें संचालित करें, क्लासें कंबाइन करके न लगावें और इसके साथ पालकों के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता अनुशासनहीनता न करें। और ऐसे बच्चे जिनको फीस को लेकर के अगर उन्हें या किसी छोटी मोटी समस्या को लेकर के स्कूल न आने के लिए मना किया है, तत्काल उनको स्कूल आने के लिए कहें और किसी भी प्रकार की ऐसी भविष्य में कोई शिकायत न, ऐसा हमने निर्देश दिए। सर, अभी फीस को लेकर मामला नहीं था, मामला कम माइंड क्लास को लेकर था।
कंबाइंड क्लास के बारे में हमने निर्देश दे दिए हैं कि ज़्यादा भीड़ के साथ क्लासें नहीं लगानी हैं, जो नियम है बच्चों का उसी हिसाब से क्लास। श्री राम, मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ, स्कूल वाले सर मेरे को स्कूल नहीं आने दे रहे, मेरी पढ़ाई और मेरे छोटी भाई की पढ़ाई खराब हो रही है, मेरे को हमको स्कूल जाना है और हमको हमारी पढ़ाई करना है। श्री राम।